बहन जी, क्या हुआ बेटे के साथ? पता नहीं, मैंने तो पूजा का सामान लेने उसे घर से बाहर भेजा था, वो तभी 10-15 मिनट पहले ही घर से बाहर आया, तो अभी किसी का फोन आया कि उसके ऊपर हमला हो गया, वो बहुत सीरियस है, उसे ड्रामा हॉस्पिटल ले आए हैं और कुछ लड़कों ने उसे बहुत बेरहमी से मारा है। क्यों मारा है पता नहीं लगा, कौन नहीं, थे वो? एक तो रवि, एक वंश जाट का नाम बता रहे हैं। अभी मेरा बेटा होश में नहीं है, जब होश में आएगा तो वो सब बताएगा मुझे कि किसने मारा मुझे। मुझे दो लड़कों का नाम पता, उनके साथ 15-20 लड़के थे। जिला यमुनानगर में बढ़ती गुंडागर्दी के चलते अभी कुछ ही देर पहले मधु चौक पर, जी हां, जिला यमुनानगर के मधु चौक पर एक मासूम बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। जी हां, तमाम तस्वीरें मैं ड्रामा सेंटर से आपको दिखा रही हूं। बताना चाहूंगी, महावीर कॉलोनी का रहने वाला एक ऐसा परिवार जिनका मासूम बच्चा, जिसकी उम्र 17 साल की है, जिसका नाम भंवर है और जो 10वीं क्लास में पढ़ता है, जी हाँ, और 2 दिन बाद आप ये देखिए कि उस बच्चे के पेपर हैं और वो बच्चा ओपन बोर्ड से अपनी पढ़ाई कर रहा है। लेकिन कल जो है, जी हाँ, आज का ये मामला सामने आया है और एक दिन बाद यानी कि कल भंवर के घर पर किसी पूजा की तैयारी हो रही थी, लेकिन भंवर जो है अपने महावीर कॉलोनी घर से निकलकर सामान खरीदने के लिए जैसे ही मधु चौक पर पहुंचता है तो 10 से 15 नौजवान अपनी बाइकों पर सवार होकर आते हैं, जिनके हाथों में राडे, बिंडे और ईंटे थी, जी हाँ, और उन्होंने बिना किसी बात के चलते भंवर के ऊपर बेरहमी के साथ हमला कर दिया। और इस समय भंवर की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक बताई जा रही है, जिसे उपचार के लिए ट्रामा सेंटर में लाया गया है। आप देख सकते हैं एक माँ जो है किस कदर अपने बच्चे के लिए भावुक होती नज़र आ रही है। माँ जो है कहीं ना कहीं अपने बच्चों से इस कदर लाड़ प्यार करती है कि खुद चाहे अपने बच्चे को जितना मर्जी मार ले, लेकिन जब बाहर कोई आकर अपने बच्चे के ऊपर इस तरह से हमला करता है या मारता है तो माँ की जो आंतरें हैं वो किस कदर जो है कलपती नज़र आती हैं। दोस्तों, मैं इस समय की तस्वीरें आपको ट्रामा सेंटर से खा रही हूं। 10-15 लड़कों के द्वारा भंवर के ऊपर बेरहमी के साथ मारपीट करने का ये मामला सामने आया है। किस बात के चलते मारपीट की गई है ये तो खैर भंवर की माता जी बताएंगी, जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। एक बार पूरा मामला इनसे जरूर जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालू है। शालू, हाँ जी, क्या हुआ बेटे के साथ? पता नहीं, मैंने तो पूजा का सामान लेने उसे घर से बाहर भेजा था, वो तभी 10-15 मिनट पहले ही घर से बाहर आया, तो अभी किसी का फोन आया कि उसके ऊपर हमला हो गया, वो बहुत सीरियस है, उसे ड्रामा हॉस्पिटल ले आए हैं और कुछ लड़कों ने उसे बहुत बेरहमी से मारा है। क्यों मारा है पता नहीं लगा, कौन थे वो? एक तो रवि, एक वंश जाट का नाम बता रहे हैं। अभी मेरा बेटा होश में नहीं है, जब होश में आएगा तो वो सब बताएगा मुझे कि किसने मारा मुझे। मुझे दो लड़कों का नाम पता, उनके साथ 15-20 लड़के थे। सामान खरीदने के लिए, सामान लेने गई तो आया था, 5,000 घर से लाया, वो हमन के लिए सामान खरीदना था, कल हमारी पूजा थी। कौन सी क्लास में पढ़ता था? 10वीं में पढ़ रहा है वो, ओपन बोर्ड के पेपर थे परसों उसके। क्या कहना चाहेंगे, अभी हालत कैसी है भंवर? अभी कुछ नहीं बता सकते हम उसके बारे में, और जिन लोगों ने मारा उन्हें छोड़ेंगे भी नहीं हम। बेरहमी से मेरे बच्चे को मारा, छोटे से को। पुलिस को शिकायत जी दी है? क्या आश्वासन मिला पुलिस की ओर? अभी तो कुछ नहीं मिला, अभी कुछ पता नहीं है हमें। भविष्य खराब हो गया आपको लगता है? परसों से एग्जाम थे कहीं ना कहीं। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगी आप, क्या गुहार लगाना चाहेंगी? मैं यही लगाना चाहूंगी, जिन लड़कों ने मेरे बच्चों को ऐसा किया उनके साथ पूरे से पूरा सलूक हो, बस उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले कि आगे से गुंडागर्दी खत्म हो, बच्चों के ऊपर बेरहमी से मत मारे। आज मेरे बच्चे के साथ है, कल किसी और बच्चे के साथ भी हो सकता है ये। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक माँ जो है किस कदर भावुक होती नज़र आ रही है। माँ आप सबके पास है, और अगर माँ को तकलीफ़ होती है तो बच्चों को तो तकलीफ़ होती है, लेकिन आप लोग इस माँ की जो भावनाएं हैं उन्हें अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों, आज एक माँ जो है जिला पुलिस प्रशासन के आगे, आप सभी के आगे इंसाफ की गुहार लगाती नज़र आ रही है कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ जिनके हौसले दिन दहाड़े इस कदर बुलंद होते नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से यमुनानगर के मेन चौक पर 10 से 15 लड़कों ने जिस तरह से भंवर के ऊपर बेरहमी के साथ ईंटों के द्वारा हमला किया है, ऐसे आरोपियों को जो है कड़ी से कड़ी जो है सज़ा होनी चाहिए और इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं बच्चे का जो भविष्य है कहीं ना कहीं खराब होता नज़र आ रहा है। 10वीं क्लास का पढ़ने वाला लड़का, जिसके 2 दिन बाद पेपर हैं और बच्चे के घर पर 1 दिन बाद यानी कि कल को एक पूजा रखी गई है, और उस पूजा का सामान खरीदने के लिए वो बच्चा जो है अपने घर से यानी कि महावीर
कॉलोनी से जैसे ही बाजार में सामान खरीदने के लिए जाता है और मधु चौक पर पहुंचता है तो उस बच्चे को भनक तक नहीं होती कि पीछे से 10 से 15 बाइकों के ऊपर 15 लड़के ही सवार होकर आएंगे और उनके हाथों में ईंटे रोड़े बींडे होंगी। और आप देख सकते हैं बिना किसी रंजिश के चलते, बिना किसी बात के चलते, किस तरह से अज्ञात हमलावरों के द्वारा जो है बेरहमी के साथ हमला किया जाता है। दोस्तों इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना ताकि आने वाले समय में एक माँ जो आज अपने बच्चे के लिए झोली फैलाकर आप सभी के आगे गुहार लगाती नज़र आ रही है, उस माँ को जो है इंसाफ मिल सके और उस बच्चे को जो आज जिंदगी और मौत से लड़ रहा है ट्रामा सेंटर के अंदर, उस बच्चे को भी जो है इंसाफ मिल सके जिसका करियर पूरी तरह से ख़राब होता नज़र आ रहा है। पता नहीं बच्चा कब ठीक होगा, लेकिन माँ जो है, माँ के साथ जो रिश्तेदार हैं, जो आस पड़ोसी हैं, सभी आज भंवर के लिए प्रार्थना करते दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों इस खबर को शेयर जरूर करना ताकि आने वाले समय में पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ ट्रामा सेंटर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।